देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। न्यूनतम तापमान में भले ही बढ़ोतरी दर्ज हुई हो, लेकिन तेज हवाएं और बारिश ठंड से राहत नहीं दे पा रही हैं। दिल्ली, बिहार, पंजाब में आज जहां तेज हवाएं परेशान करेंगी, तो वहीं उत्तराखंड, जम्मू में बारिश कपकपा देगी। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री रह सकता है और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं राजस्थान में आज से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज से 24 फरवरी तक प्रदेश में बादल के छाए रहने और बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान में 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 30 से 40 किलोमीटर की ही रफ्तार से धूल भरी हवा चलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान में बारिश हो सकती है। बिहार के अधिकतर जिलों में आज भी बादल छाए रहेंगे। IMD के मुताबिक पटना समेत कई शहरों का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहने का अनुमान है। बिहार में अगले कुछ दिनों तक मौसम कुछ इसी प्रकार बना रह सकता है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में मौसम साफ रहने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में आज बादल छाए रहेंगे। आज अधिकतम तापमान 24 तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं 26 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होते दिख सकती है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में आज से मौसम में बदलाव हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे हफ्ते जम्मू कश्मीर में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही कई दिनों तक रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आज जम्मू के अधिकतर कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 19 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं कश्मीर में अधिकतम तापमान 0 डिग्री और न्यूनतम तापमान -4 डिग्री रहने का अनुमान है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के कई हिस्सों में कल से 3-4 दिन बारिश हो सकती है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट भी हो सकती है। उत्तराखंड के कई जिलों में आज अधिकतम तापमान 11 डिग्री रह सकता है और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास। की रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।